हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। सेंसस से यानी कि जनगणना से बहुत क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको लगातार हमेशा यहां से दिखाई देंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन केवल और केवल सेंसस यानी जनगणना से आपको देखने को मिल जाएंगे। केवल एक यूनिट है, सॉरी एक चैप्टर है, केवल एक चैप्टर पढ़ के अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन, और इसमें करना कुछ नहीं है, जो बस आप आंकड़े दिए हुए हैं वही आंकड़े आपको याद करने और एग्जाम में पुट करने, बस इतना सा काम आपको इसमें करना है। लेकिन फिर भी आपको इसमें जरूरत कहाँ पे पड़ती है कि कोई आपको ऐसा, क्योंकि इसमें जो है आंकड़े बहुत ज्यादा है, तथ्य बहुत ज्यादा है। आप आंकड़े देख के घबरा जाते हैं कि इतने सारे आपको आंकड़े याद करने पड़ेंगे, और उससे हटके भी कुछ चीजें और भी हैं जो आपको सेंसस से पता होनी चाहिए, यानी जनगणना से आपको पता होनी चाहिए। उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, भारत में कब शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें हैं इनमें, और जो जानने को है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप पढ़ने को आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, अगर आपको चीजें दे दी जाए तो आप पढ़ लेंगे, पढ़ने में क्या है, लेकिन किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है तो जो आपको एक सही डायरेक्शन दिखा सके कि यहाँ से आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से। अगर आपको ये चीजें पता लग गई फिर तो एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो सेंसस ऑफ इंडिया में मैं आपके लिए ये पार्ट 1 लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं बेसिक्स के बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा आपको, कुछ डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, बाकी जो आंकड़े हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे इसके, और आंकड़ों को आप कितने आसानी से याद कर सकते हो वो भी मैं आपको फिर उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना नीचे, ठीक है, और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इसके अलावा आपको हमारे इस चैनल पे लाइव क्लासेस अब जैसे कि कल शुरू होने वाली है, उसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का भी, टेलीग्राम में से आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे, और व्हाट्सएप और फेसबुक में आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो जनगणना का मतलब होता है जन माने लोग, और गणना मतलब उनकी गिनती करना, ये कोई नई बात नहीं है आप जो आप सुन रहे हैं, जनगणना मतलब लोगों की गिनती करना। अब कोई भी अगर भारत, जब भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, अब डेमोक्रेसी में अगर कोई भी चीज होती है तो इसका उल्लेख कहाँ पर होता है, संविधान में होता है। तो ऐसे ही भारत के संविधान में जनगणना का जो प्रावधान किया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 सूची है, राज्य सूची और राज्य सूची का विषय है, ठीक है, और केंद्र सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो ये केंद्र सूची का विषय होता है और केंद्र सूची के विषय है ये, और साथ ही साथ ये फिर 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। आप सभी को पता है कि 12 सूचियां हैं, 12 सूची में से 7 जो 7वीं नंबर की जो अनुसूची है उसमें जनगणना का प्रावधान है, जिसमें क्रम संख्या जो है, और इसके अगर हम क्रम संख्या देखें, वैसे केंद्र सूची राज्य सूची समवर्ती सूची में उसका क्रम संख्या है 69, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो विषय है ये किसके विषय है, ये केंद्र केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय के अधीन ये जो विषय है कार्यरत है। इस सेंसस में यानी कि जनगणना में जो सबसे उच्चतम अधिकारी होते हैं, कोई ना कोई अधिकारी होंगे जो इसको सेंसस को करवाते होंगे, तो इसमें जो सबसे उच्चतम अधिकारी होता है, ये जो ऑफिसर होता है, वो भारत का महापंजीयन या फिर भारत के जनगणना आयुक्त कहलाते हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि वर्तमान में कौन है सेंसस कमिश्नर, वो है विवेक जोशी जी। इनसे पहले कौन थे 2009 से, तो वो थे सी चंद्रमौली जी का, आपने नाम सुना होगा सी चंद्रमौली, और वर्तमान में कौन है, तो ये सारे आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है, विवेक जोशी जी। इसके बाद हम कुछ और अगर बात करें सेंसस के बारे में, तो 2011 की जो जनगणना है ये भारत की 11वीं जनगणना थी, कौन सी, भारत की 11वीं जनगणना थी, लेकिन अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें, 11वीं कब से थी तो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्रता जब से हुई है उस समय से लेकर अभी तक ये 7वीं जनगणना है जो 2011 में हुई है। आप सभी को पता है कि ये दशकीय अंतराल पर होती है, यानी कि 10 सालों के बाद होती है, अभी पिछली बार 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी, ठीक है, तो फिर ये स्वतंत्र भारत की 8वीं हो जाएगी, और ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 12वीं जनगणना हो जाएगी, ठीक है। 1931 के बाद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, सबसे पहले एक बार ध्यान रखना, 1931 के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2000
2010 को पहली बार जातिगत आधारित जनगणना को स्वीकृति दे दी, यानी कि जो जातिगत आधारित है कि इतने जो व्यक्ति हैं वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इतने एससी एसटी से, इतने ओबीसी से, इतने जनरल से, उन सभी को जो है इस प्रकार से जातिगत आधारित जो जनगणना है वो सितंबर 2010 में एक बार फिर से शुरू हुई। ठीक है, पहली बार फिर से शुरू हो गई। पहले कब हुआ करती थी? 1931 में हुई थी, फिर बंद हो गई थी, फिर कब शुरू हुई? तो सितंबर 2010 में फिर से जातिगत आधारित जनगणना जो है शुरू हुई। और जो 2010 का शुभ अंकर जो एक, ठीक है, एक लोगो है जैसा उसमें है, ठीक है, वो क्या है? एक प्रगण शिक्षिका है। ठीक है, शुभंकर यानी कि जिसका जो लोगो है वो क्या है? प्रगण शिक्षिका है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है 2011 की जनगणना का? आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ठीक है, ये इसका ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, इसको याद रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो जनगणना का संक्षिप्त इतिहास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इन्हें याद रखना आप। और मैं इसीलिए पार्ट वाइज इसको लेकर के आया हूँ मैं, क्योंकि ये जो सेंसस का डाटा है मैं सारा एक साथ दे सकता था आपको, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको ज्यादा बर्डन फील ना हो, पहले आप जितना डाटा आपको अभी मिल रहा है उतना याद करो, फिर इसके बाद मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आऊंगा, फिर जाके आपको फाइनली एक वीडियो आएगा जिसमें दो तीन, मतलब एक पार्ट आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा पार्ट आएगा जिसमें फाइनली जो सारे डाटा है वो आपको मैं दूंगा, और उसको किस तरीके से आसानी से आप याद कर सकते हो, बहुत ही आसानी से मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी बढ़ा लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम सितंबर अक्टूबर नवंबर में जब भी होगा तब तक आपको सारे के सारा डाटा याद हो चुका होगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे होगी वो बस मैं आपको बताऊंगा, बस वेट करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। इसके बाद अगर हम जनगणना के संक्षिप्त इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शुरुआत जो हुई थी भारत में जनगणना की वो 1872 में लॉर्ड मेयो, ये याद रखना, शुरुआत कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना का क्या मतलब है? 10 सालों के अंतराल पर, जैसा अभी होती है, 2011 में हुई थी, 2021 में होगी। तो नियमित जनगणना कब से शुरू हुई है? तो 1881 से 1888 से 1881 से शुरू हुई है लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, और उस समय पे जो जनगणना आयुक्त थे कौन थे, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, यूजीसी नेट में, उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? W.W. Plowden। ठीक है, W.W. Plowden जो है उसका संबंध किससे है, ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर आपने देखा है प्रीवियस ईयर के पेपर को, आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो उनका संबंध किससे था? तो जनगणना से संबंध था, उसमें मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यही चीज तो यहाँ पे आपको जो है बेनिफिट मिलेगी, वरना आंकड़े आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, बुक में से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक आपको ये नहीं बताएगी कि ये चीज पूछी गई थी, इस चीज का जो संबंध है वो किस तरीके से पूछा गया था, कितनी डेप्थ में पूछा गया था, ठीक है, कैसे घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको बुक नहीं बताएगी, इसीलिए आपको यहाँ पर आने की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए आपको जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यही फायदा है जो बुक आपको नहीं दे पाएगी, वरना डाटा तो मैं भी वहीं से लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा अपने अनुभव के आधार पर, जो मेरा एग्जाम का अनुभव रहा है, जो मैंने, ठीक है, तैयारी के दौरान मैंने जो चूज सीखा है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको छोड़ दो, इसको अच्छे से पढ़ो, यही चीज तो है जो अलग बनाती है एक मेंटोर को एक बुक से। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो स्वतंत्र भारतीय जनगणना के जो आयुक्त थे, सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना के आयुक्त थे वो कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी, जो कि कब से कब तक रहे? 1949 से लेकर के 1953 तक। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के जनगणना आयुक्त थे। विश्व में अगर हम सबसे पहली जनगणना की बात करें तो विश्व में सबसे पहली जनगणना कहाँ पर हुई थी सर्वप्रथम? तो स्वीडन में हुई थी, आधुनिक युग में अगर हम बात करेंगे तो, कि उससे पहले तो बहुत पहले हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो 1749 में स्वीडन में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई। लेकिन दशकीय जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई सबसे पहले? तो अमेरिका में हुई 1790 में। ठीक है, 1790 में अमेरिका में दशकीय जनगणना 10 सालों के अंतराल पर होना शुरू हुई। और इंग्लैंड में कब शुरू हुई? तो इंग्लैंड में 1801 में यहाँ पर जनगणना शुरू हुई। ठीक है, अब 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना में भारत में सबसे पहली बार यहाँ पे NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यहाँ पे तैयार किया गया। ये NPR क्या था? तो NPR में जो भी व्यक्ति थे उनके बायोमेट्रिक्स यहाँ पे होने लगी। बायोमेट्रिक्स का मतलब क्या है? जो आप थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, आपका आई इम्प्रेशन वहाँ पे लिया जाता है, तो वो बायोमेट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर NPR का रजिस्टर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यहाँ पे तैयार किया गया।
और 2011 की जो जनगणना नीति है, जनसंख्या नीति है, राष्ट्रीय जनगणना नीति, राष्ट्रीय सॉरी ये जनसंख्या नीति है, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ये, जो 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है सन 2000 की, इसके अनुसार 2045 तक, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, यही चीज तो है जो इफेक्टिव है, जो मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 2000 की जो ये जनगणना नीति है ना, इसको अच्छे से समझना, अच्छे से देना, देखना इसको, ठीक है। मैं इस, अगर आप चाहते तो मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके मेरे को बता देना इसमें क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य है। तो 2000 की जो जनसंख्या जनगणना जनसंख्या नीति है भारत की, उसके अनुसार 2045 तक, ठीक है, यानी 2045 तक जनसंख्या की स्थिरता प्राप्त करनी है, बढ़ती हुई जनसंख्या है भारत की, उसमें क्या है, हमें स्थिरता प्राप्त करनी है, रोक लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है, वो जो है आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कैसे, सबसे पहले जो है एग्जाम में क्या है, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको एक डेफिनेशन दी जाएगी और डायरेक्ट उसका यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, इस तरीके से चार पांच यहाँ पे आपको टर्म्स दे दी जाएंगी, उधर इधर आपको उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, आपको मैच करना होगा कौन सा किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया गया, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला है, जैसे कि जनसंख्या जो घनत्व होता है, वो जनसंख्या घनत्व के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, जो आप कई बार निकालते हैं कि जनसंख्या घनत्व कुल लोगों की संख्या बटे कुल एरिया कितना है, उसको अगर आप जो कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, अर्थमेटिक जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप तो यहाँ पर आपने ये लिखा हुआ है, सबसे पहला है अर्थमेटिक डेंसिटी, यानी कि अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व, तो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं बटे टोटल एरिया, ठीक है, और टोटल एरिया कितना है, यानी कि क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, लोगों की संख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो अगर हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएगा कि जनगणना जो जनसंख्या का घनत्व है वो अरिथमेटिक डेंसिटी निकल के आएगी, यानी कि अंक गणितीय घनत्व निकल के आएगा। अगर हम साइकोलॉजिकल डेंसिटी की बात करेंगे तो, अगर हम साइकोलॉजिकल डेंसिटी की बात करेंगे, कायिक घनत्व की बात करेंगे, तो टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, कुल जनसंख्या बटे कुल अरेबल लैंड, यानी कि कुल कृषि योग्य भूमि, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। इसके बाद हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे तो, एग्रीकल्चर डेंसिटी की, टोटल रूरल पॉपुलेशन कुल ग्रामीण जनसंख्या बटे अरेबल ऑफ एरिया ऑफ अरेबल लैंड, ठीक है, कि जो अरेबल लैंड है, यानी कि जो क्षेत्र है जो कि कृषि योग्य है वो कितना है, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास एग्रीकल्चर डेंसिटी निकल के आ जाएगी, एरिया ऑफ अरेबल लैंड। रेजिडेंशियल डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया, कितने लोग अर्बन एरिया में रहते हैं बटे एरिया ऑफ रेजिडेंशियल लैंड, कितना लैंड है जो रेजिडेंट्स के लिए उपलब्ध है, यानी कि निवास के लिए उपलब्ध है, तो इसको कहेंगे निवास घनत्व या फिर रेजिडेंशियल डेंसिटी। इसके बाद आती है अर्बन डेंसिटी, तो अर्बन डेंसिटी में हम करेंगे क्या, द नंबर ऑफ पीपल इनहेबिटेटिंग एन अर्बन एरिया, कितने लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है, बटे टोटल एरिया ऑफ अर्बन लैंड, कितना एरिया है जो अर्बन लैंड का है, तो इसको अगर हम इस तरीके से भाग दे देंगे, ये भाग वाला नीचे हर आएगा, ये वाला जो है ना, ये हर है, ठीक है, ये जो बाद में लिखा हुआ है ये सारे हर हैं, ये यानी कि हर क्या होता है, ये बटेगा जब हम चिन्ह लगाते हैं तो ऊपर क्या होता है, अंश होता है, नीचे होता है हर, तो ये जो लास्ट वाला लिखा हुआ है ये हर है। इकोलॉजिकल ऑप्टिमम, इकोलॉजिकल ऑप्टिमम क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, जितना नेचुरल रिसोर्स है उस नेचुरल रिसोर्स को, उस नेचुरल रिसोर्स पर जितनी पॉपुलेशन की डेंसिटी सपोर्ट कर सकती है, यानी कि उसके लिए निर्वाह कर सकती है उस नेचुरल रिसोर्सेज पर, तो वो क्या होगा, इकोलॉजिकल ऑप्टिमम होगा, कि उससे ज्यादा पॉपुलेशन इस रिसोर्सेज पर, इस एरिया के रिसोर्सेज पर, मान लीजिए इतना रिसोर्सेज है, इस पर जितना जनसंख्या इस पर निवास कर सकती है, इसको उपभोग कर सकती है, उस संख्या से ज्यादा, एक निश्चित जनसंख्या से ज्यादा इस पर उपभोग करेगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हानिकारक हो सकता है, जो सारे आप देखेंगे जो संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं, तो वही क्या है, वो एक लिमिटेड जो पॉपुलेशन है जो केवल इस एरिया के लिए है, ठीक है, जिसके बाहर अगर जनसंख्या बढ़ गई तो फिर संसाधन खत्म होने लगेंगे, वो क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल ऑप्टिमम कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो शिशु लिंग, यहाँ पे लिंगानुपात लिखा हुआ है, ठीक है, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है, ठीक है, पुरुषों की तुलना में निकाला जाता है भारत में, इस बात को ध्यान में रखना।
कैसे निकालते हैं, लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, लिंगानुपात निकालते हैं। और शिशु लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों के निकाला जाता है। तो जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की जो संख्या है, संख्या को शिशु लिंगानुपात क्रूड सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात क्या होता है, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो कैसे करके, तो जैसे अभी ऊपर लिंगानुपात निकाला था ये वाला स्त्रियों की संख्या, तो यहाँ पे बालिकाओं की संख्या। अब बालिकाएं कौन, जो यहाँ पर स्त्री आई थी, स्त्री तो मतलब 18 साल से ऊपर आ जाएंगी जितनी भी होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनका बटे बालक, बालक कौन, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं जो बालक है उनको गुणा 1000, तो क्या निकल कर आ जाएगा, शिशु लिंगानुपात। इसके बाद आते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, 7 वर्ष, इस बात को ध्यान में रखना, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख सकता या फिर पढ़ सकता हो क्या कहलाता है, लिटरेट कहलाता है। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में और पूछी गई है आई थिंक, कि जो लिटरेट है उसकी क्या डेफिनेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो 7 वर्ष का वह व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है, किसी भाषा को लिख या पढ़ सकता है क्या कहलाएगा, लिटरेट कहलाएगा, यानी साक्षर कहलाएगा। ठीक है, और 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाला व्यक्ति, आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। यानी कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली, ठीक है, कुल जनसंख्या में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, 7 वर्ष की और उससे बड़े जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन टोटल पॉपुलेशन में से, उन कुल जनसंख्या में से साक्षरों के जो प्रतिशत है, जितने लोग उसमें से साक्षर हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, जितने लोग हैं वही क्या कहलाएगा, तो वो साक्षर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो दशकीय वृद्धि दर, यानी डेकेडल ग्रोथ रेट, ये 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10 वर्षों के मध्य हुई, मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है डेकेडल ग्रोथ रेट, DGR। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है माइनस पूर्व जनसंख्या कितनी पहले की बटे जो टोटल पहले की जनसंख्या है उसको गुणा कर देंगे अगर 1000 से, तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल डिकेडल ग्रोथ रेट। ठीक है, इसके बाद है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, तो शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में, जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात को 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी कि प्रति 1000 में 1000 बच्चों में जीवित जन्मे शिशु 1 साल की अवधि के अंदर, ठीक है, 1 साल की अवधि के अंदर जितने शिशु जन्मे हैं 1 साल से कम है जिनकी आयु, ठीक है, और 1 साल के अंदर ही निकाला जाएगा ये प्रति 1000 में, तो क्या होगा, उसे इसे कहेंगे शिशु मृत्यु दर। 1000 शिशुओं में, बालकों में 1 वर्ष से जिनकी आयु कम है, तो जितने शिशु क्या हो गए हैं, मृत्यु हो गई है जिनकी, तो वो क्या कहलाएगी, शिशु मृत्यु दर कहलाएगी। यानी शिशु मृत्यु दर किसी भी वर्ष में, किसी भी वर्ष में प्रति प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। और इसका उल्टा अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो मृत शिशु दर हो जाएगी, ठीक है, शिशु की जन्म दर हो जाएगी। ठीक है, तो ये है जनसंख्या के रिलेटेड कुछ आंकड़े जो मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, और ये जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से, हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसकी जो फिर फाइनल सेकेंड और थर्ड लेक्चर आएगा वो हमारे फिर आएगा 1-2 दिन में, ठीक है, तब तक आप देखें वीडियो को और याद करें इसे, इस सारे जो तथ्य मैंने आपको दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें, नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी फिर उनको भी याद करें, आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, आप सभी का JRF होगा, सभी का नेट होगा, सभी का JRF होगा, ऐसे मेरी शुभकामना है, तो लगे रहे तैयारी में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।